हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में फाइनल हुआ योगी 2.0 मंत्रिमंडल, 62 मंत्री लेंगे शपथ, 28 कैबिनेट, 11 स्वतंत्र प्रभार, 23 बनेंगे राज्य मंत्री, 3 उप मुख्यमंत्री पर भी मुहर। नई दिल्ली, पिछले 2 दिनों से दिल्ली में जने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल 2.0 को अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों के अनुसार योगी मंत्रिमंडल में कुल 62 मंत्री होंगे, जिनमें 28 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, 11 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा, जबकि 23 को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। योगी 2.0 सरकार में इस बार 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। पांडे सूत्रों के अनुसार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। योगी 2.0 सरकार में इस बार 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। केशव मौर्या को संगठन में भेजने की तैयारी की गई है। बेबी रानी मौर्या को उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी है। दिनेश शर्मा को भी संगठन में भेजा जाएगा, उनकी जगह AK शर्मा को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। तीसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में असीम अरुण को जगह मिल सकती है, हालांकि इसकी घोषणा बाद में की जाएगी। सूत्रों के अनुसार सुरेश खन्ना को मंत्रिमंडल में फिर से अहम जिम्मेदारी मिलेगी। सतीश महाना को भी मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन दोनों नेताओं को मंत्री पद से संतोष करना होगा। ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह, जितेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र देव सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदी गुप्ता, सूर्य प्रताप शाही को भी मंत्री बनाया जाएगा। पंकज सिंह, राजेश्वर सिंह, रामपाल वर्मा, अदिति सिंह, अपर्णा बिष्ट यादव भी मंत्री बनेंगी। सूत्र बताते हैं कि श्रीकांत शर्मा, आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा, अनिल राजभर, संदीप सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह संगठन में वापस भेजे जाएंगे। इसके अलावा सहयोगी अपना दल के 2, निशांत पार्टी को 1 मंत्री पद पर देने की सहमति बनी है। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।